दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपने वीडियो में देखा है इसमें कि मेरे पास एक बाइक है, वाइट कलर की है, अपाची आरटीआर 160। वो 2015 मॉडल की है। तो मैं उसकी चाबी के बारे में आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, कि उसकी चाबी को आप कैसे अपग्रेड करा सकते हैं। और ये कहीं भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं भी बड़ी आसानी से हो जाता है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अपनी पुरानी चाबी से नई चाबी में कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी बेहतर तरीके में, बेहतर लुक, प्रीमियम लुक में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं दिखाता हूँ, ये अपनी पुरानी वाली जो बाइक की चाबी है, ये जो मुझे कंपनी से मिला था बाइक लेते समय, तो वो ये 2015 से ही है। अभी काफ़ी अच्छे कंडीशन में, देखिए टीथ इसके काफ़ी अच्छे कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि आप एक ही चीज़ को अगर रोज़ रोज़ देखते हैं तो थोड़ा सा बोर होने लगता है इंसान। तो वही बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये भी सही है। तो मैंने सोचा इसको क्यों ना अपग्रेड कराया जाए, तो इसीलिए मैंने इसको अपग्रेड कराया है अपनी चाबी को। और मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा भी आपको कि जो अपग्रेड की हुई मेरी चाबी है वो कैसी लग रही है, किस तरह का लुक है। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कौन सी चाबी बेहतर है, पुरानी वाली या जो अपग्रेड कराया है मैंने नई वाली वो है। ये है मेरी पुरानी वाली चाबी जो बाइक लेते समय मुझे। अब मैं दिखाऊंगा आपको नई वाली चाबी जो मैंने अपग्रेड कराया है, अभी बनवाया है, मैं उसको अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। जो इसको साइड में रखते हैं उसको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरी नई वाली अपाची आरटीआर 160 की चाबी। और देख के क्या लगता है आपको, अगर ऐसे बंद रहे चाबी तो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये कार की चाबी है या नाइफ है या चाबी है बाइक की। तो ये देखिए, बहुत ही मतलब क्वालिटी इसका बहुत प्रीमियम है। ये देखिए, और इसमें मज़े की बात है कि दो कलर में, ये रेड कलर में और ब्लैक कलर में। आधा जो हिस्सा इसका है वो ब्लैक कलर में है और आधा जो है रेड कलर में है। तो ये बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को। बहुत ही कम्पैक्ट है ये बॉडी भी, ये मेटल बॉडी है। इसमें दो आता है, एक तो मेटल आता है और एक फाइबर आता है। तो ये मेटल बॉडी में है, आप लोग जिसमें चाहे बनवा सकते हैं। दोनों का प्राइस में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जो आपको पसंद आए। और एक चीज़ और इसमें, ये जो आप शेप देख रहे हैं तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट शेप के आते हैं। मुझे ये वाला शेप अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसको ले लिया। आप लोग को जो पसंद आएगा शेप वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। यहाँ एक पुश बटन है, ये देखिए, इसको जब प्रेस करेंगे हम लोग, ऐसे प्रेस करेंगे तो इसकी निकल के आएगी ऐसे। ये देखिए, मैं फिर से दिखाता हूँ, इसको अंदर करेंगे, अंदर वो सेफ हो गया। ये कहीं गिर भी जाए तो चाबी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाबी आपकी सेफ रहेगी। तो ये देखिए, इसको जब प्रेस करेंगे तो चाबी निकल के आएगी। और ये देखिए, बहुत ही मतलब शानदार लुक आ रहा है इसका। आप लोग भी अपनी चाबी को अपग्रेड करा सकते हैं। ये आप कहीं बनवा सकते हैं, जहाँ किसी मार्केट में अगर चाबी बनाने वाला है तो ये बना सकता है। ये आप, ये दो तरह से बनता है, एक तो ऑटोमेटिक बनता है जो लेज़र मशीन जो होता है, लेज़र कटिंग द्वारा सीएनसी जो कटिंग होता है उससे बनता है, एक दूसरा होता है मैनुअल। तो ये दोनों तरीके से बन सकता है, आप जैसे कहेंगे वो बना देगा। प्राइस में थोड़ा अंतर आ सकता है, सीएनसी का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है लेज़र कटिंग का, तो आप बनवा सकते हैं। ये देखिए, इसके टीथ में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इसके टीथ, ये बहुत ही बेहतरीन मतलब सीएनसी कट करके मुझे दिया है, बहुत बेहतरीन। मतलब उस चाबी में दिखाता हूँ, उस चाबी के टीथ में, ये देखिए, और इसमें बहुत अंतर नहीं है। ये देखिए, मतलब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये काट के बनाया गया है। ये पूरी पूरी आती है चाबी, ये मेटल और ये बॉडी दोनों साथ ही में आता है। तो आप इसको ले सकते हैं। और ये मुझे पड़ा था लगभग 300 के आसपास, 300। आप अपने मार्केट में इसको पता कर सकते हैं, वही ज़्यादा नहीं, 20-25 का अंतर आएगा, हर मार्केट का अलग अलग रेट है, पता कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा था, मैंने अपनी चाबी को अपग्रेड कराया है, बाइक की चाबी है, और आप लोग भी करा सकते हैं। और देखिएगा ऐसा लग रहा है आप लोगों को, बताइए। 300 में ही मिल गया, 300 में, तो उनके ठीक है, अच्छा है। इतने पैसे तो ऐसे भी खर्च हो जाते हैं। तो ये, और इसको आप लगाएंगे जब बाइक में, ऐसे लगाएंगे तो ऐसे खड़ी रहती है,
इसको आप लगाएंगे तो ऐसे बस बाइक की चाबी जो है ऐसे स्टैंड रहता है, बाकी ऐसे नीचे गिर जाता है ये। लेकिन इसको जब लगाएंगे तो ये ऐसे खड़ी रहेगी उसी में, जो चाबी लगाने वाला है तो लगाएंगे तो ऐसे खड़ी रहेगी उसी में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही मतलब इजी टू कैरी है, तो मेरे हिसाब से बढ़िया है, आप लोग ट्राई करिएगा। और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।